महाराज जी महाराज जी ऐसे मैंने पहले ना बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं। तो अभी कितनी तेरी कर्म कैसे? ये पढ़ाया जाता है आठवीं कक्षा में अभी मैं जा रहा हूँ बड़े बच्चे रहे थे ये सब अभी पढ़ाया जाएगा स्त्री डॉक्टर थी वो वो बोली ये सही चीज है करो इससे मेंटली फ्री रहोगे कॉलेज में थे तो मुझे ये बताया गया अरे तुम नहीं करते हो

बौद्धिक शक्ति का महाराज जी महाराज जी अगर आप ना होते तो आज हम सब लोग गंदी बात अब मत करना ठीक है हाँ मेरे बहुत अच्छे बच्चे लगे हमें गंदी बात मत करना महाराज जी महाराज ऐसे मैंने पहले ना बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं तो अभी अवस्था कितनी तेरी बुरे कर्म कैसे मैंने लॉकडाउन में मतलब जो गंदी गंदी चीजें होती है ना वो सब कुछ किए हैं जब से आपका संग मिला तब से मैंने वो चीज नहीं की है और फिर भी जब दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो वो मुँह से निकल जाता है और फिर बाद में पछतावा होता है फिर बाद में राधा राजा नाम का मुझे ये दर्द होता है की मैं उस टाइम क्यूँ याद कर पाया बोला बिल्कुल वैसे बहुत अच्छे बच्चे हो पर इतनी और यही तो मैं आश्चर्य होता है इतनी अवस्था में बच्चों में गंदगी जो आ रही है बहुत गलत मुझे किसी दोस्त ने बताया ऐसे दोस्त दुश्मन होते हैं भी जाता है। आया? ये पढ़ाया जाता है है पढ़ाया आठवीं कक्षा में अभी मैं जा रहा हूँ बड़े बच्चे बता रहे थे ये सब अभी पढ़ाया जाएगा हमारा अच्छा यार हमारे समय में तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था अब ऐसा कुछ विषय आया है क्या बारे। बारे। मुझे तो पता नहीं करने की कोशिश तो भी सुना सुना है है कि कोशिश कर रहे हैं मतलब ये इसी पर मुझे स्कूल में हाँ अगर बच्चों को जानकारी बचाव पक्ष में दी जाए तो बहुत अच्छा है छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन अगर बच्चों को उत्साहित किया जाए इसके लिए तब तो, तो बहुत मतलब नकारात्मक सोच आ जाएगी ना हमारे समझ अब ये हमारी समाज की नई पीढ़ी है अगर ये हमारे राष्ट्र की ये नई सेवा पद्धतियों की इन्हीं में एम बनेंगे इन्हीं में फौजी बनेंगे इन्हीं में पुलिस बनेंगे इन्हीं में चोर बनेंगे इन्हीं में दुष्ट बनेंगे इन्हीं में साधु बनेंगे ये जो नई पीढ़ी है ना अब जैसे बहुत प्रवीण बच्चा है बहुत प्रवीण बौद्धिक स्तर इस इसका बहुत जोर का है तो उसने स्वीकार किया कि मैंने गलतियां की बहुत बुरे कर्म किए अब भला ये बच्चा क्या बुरे कर्म कर सकता है वही जो अपनी गलतियों पर स्वीकार कर रहा है ना मैंने बुरे किए अब इस बच्चे को कैसे पता चला कि बुराई ये क्रियाएं हैं तो दोस्त से पता चला स्कूल जाने से ऐसे दोस्त तो नए नए बच्चे मोबाइल से कुसंग प्राप्त करके उसका विस्तार कर रहे हैं और अगर कहीं डॉक्टर वाली बातें जैसे ना कि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है जो हस्त क्रिया आदि है ना तो इन बच्चों को और बढ़ावा मिल जाता है कई ऐसे मतलब वीडियो जब हमारा वीडियो पड़ा हस्त मैथुन का निषेध वाला तो दस्यों वीडियो उसके साथ ऐसे आए जो उसके सपोर्ट वाले थे इन बच्चों का सर्वनाश हो जाएगा अगर ये बात देखेंगे तो इनको उत्साह बढ़ेगा ना अच्छा इनको परिणाम से मतलब नहीं इनको थोड़ा सा सुख की अनुभूति जैसे दाद है ना नई दात खुजला तो अच्छा लगता है बाद में उसका परिणाम उपदती है और जलन पैदा करती है ऐसे जो हस्त क्रिया है तो बच्चे इनको पता तो है नहीं कि मेरे जीवन की नाश की क्रिया है उनको एक सुख का साधन मिल गया खेलने का साधन मिल गया वो दिन में कई कई बार ऐसा और फिर इसके बाद जो उनका परिणाम आना चाहिए कि चक्कर आ रहा है शरीर टूट रहा है स्मृति नष्ट हो रही पढ़ने में मन नहीं लगा शरीर बहुत शिथिल रहता है और वो आदत उसको खाए जा रही तो कई ऐसे बच्चे जिनका सुधार करना हमको बहुत कठिन पड़ा जो हमें जैसे मिले ना क्योंकि अब जैसे कोई चीज आपसे तो आप राजी तो बनेगा लेकिन ये अपने ही हाँ। इसमें किसी के राजी होने की बातें नहीं हस्त क्रिया में तो ये बच्चे बहुत बुरी तरह नष्ट आपका एक सत्संग भी था जिसमें एक बच्चा ऐसे आया था तो उस सत्संग को देख के मैंने अपनी मम्मी आपको बताया तो उन्होंने भी कहा ऐसे नहीं करना चाहिए तब से मैंने छोड़ दिया पर फिर भी वो चीज़ आती रहती है खत्म नहीं होती वो चीज जैसे आप बोलते ना घूमते घूमते जब हम राधे राधे बोलते तो गंदी गंदी चीजें बाहर निकलती है एकांतिक पार्थ मिला के आ रहा था पहला क्वेश्चन ने पूछा था कि दोस्त बनाने में जब भगवान जी को दोस्त बनाओ पर फिर भी कर्म अगर तो खत्म हो जाएगी चिंता मत करो हमारी हम कर। तो ऐसे करो पूरा मिट जाता है नहीं मिट जाता फिर हम नया लिखते हैं तो ऐसे ही राधा नाम तुम्हारे पूरे गंदे लिखावट को अंदर से एकदम क्लीन कर देगा मन को अब अच्छे अच्छे संस्कार उसमें लिख लो बिल्कुल पक्का समझना कि ये नाम क्या करता है डिलीट करता है समस्त अशुभ संस्कारों को नष्ट करता है शास्त्रीय भाषा में दुर्वासना को मिटा करके सद्वासना को प्रकाशित करना ये नाम का प्रभाव होता है तो अब जैसे बच्चे हो तो ऐसा समझो बोर्ड पूरा हमने गंदा गंदी बात से लिख दिया लेकिन जब उस पर उसको ऐसे करते क्या कहते हैं हाँ तो उसको जब हम ऐसे पूछ दिया तो खत्म हो गया ना तो नाम को आप समझो गंदगी बातें जो अंदर की है वो सब मिटा देगा तभी तो संत महात्मा बनते हैं हाँ बच्चे।, ये जैसे बच्चे बहुत सारे ये गंदी बातें करते हैं जी टीचरों को बताओ तो, टी... तो वो मतलब अच्छे होते हैं पढ़ने में वो बच्चे तो टीचरों को बताओ तो टीचर हम ही लोग को गलत साबित करते हैं नहीं बच्चा तुम ये बात मत मानना थोड़े दिन की पढ़ाई की अच्छाई उनकी जो बुराई उनके साथ लग गई वो उनको नष्ट कर देगी वो आगे चल करके बहुत ही हीन प्रकृति वाले बन जाएंगे वो कोई ना कोई व्यसन करने लगेंगे कहीं ना कहीं गंदे आचरणों में फंस करके महाराज जी अभी एक फिल्म भी आई थी उसमें ये दिखाया गया है ये फिल्म फिर ये बात कोर्ट तक पहुंचा कोर्ट उसको सही <laughs> माने डॉक्टर सही माना मूवी का नाम था ओ माय गॉड और डॉक्टर ने सही माना और जज ने सही बोला अब हम लोग भी कंफ्यूज करते हैं जो क्या सही है क्या गलत है तो हम लो हम लोग ऐसे पापी नहीं हमको एक बात बात बताओ कि सबकी सही मानते हैं लेकिन खुद के अनुभव की बात बताएं यहाँ हमारे पास दस्यों बच्चे आ, ऐसे आ चुके हैं जो हस्त मैथुन का शिकार होकर मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हुए एक पुलिस ऑफिसर आई थी उसका लड़का देखा था वो चीख के कह रहा था कि बस मैं किसी हालत में नहीं हूँ आपका प्रवचन सुनकर मैं केवल अपनी जान बचाने के चक्कर में, में मेरा मन हर समय कहता कर लो। जी जो आपकी वीडियोस चलती ना कम से कम 2000 से ज्यादा ऐसे कमेंट्स होंगे जी कि हम अपने जीवन बर्बाद कर लिया तो वो जो प्रमाणित कर रहे हैं अच्छा अभी प्रेजेंट में हम आपको एक लड़का बारह वर्ष का है और उसको यही आदत गंदी बच्चों से हो गई और कई बार अब उसकी हालत ये है कि उठना बैठना सोना जागना सब उसका शिथिल है उस पर दृष्टि डाली कि अरे इतनी अवस्था उसको जब डांट के पूछा तो उसने कहा मैं ऐसी क्रिया करता हूं अब आप बोले वो बालक किस काम का रह जाएगा वो किस काम कैसे जज कह रहा है कि सही है कैसे कैसे अच्छे आ, एक अच्छे न्यूज चैनल पे जी डॉक्टर स्त्री डॉक्टर थी वो वो बोली ये सही चीज है करो इससे मेंटली फ्री रहोगे करना चाहिए इसे कुछ बोलते, बोलते हैं वीक वीक में में एक बार करना, करना है चाहिए, चाहिए वीक में। ऐसे में बढ़ावा दे रहे हैं। आपका हाँ, हाँ। कलयुग कलयुग इसी से बढ़ेगा मैं बच गया मेरे मामा जी के बेटे ने आपका रोल प्रवचन सुनते हैं उन्होंने मुझे सब समझाया उस क्रिया से उन्होंने मुझे बचा लिया धन्यवाद बच्चा और तुम कभी मत करना हम पहले कभी किया ही नहीं हाँ बच्चा कभी मत कर बच्चे बच्चों ने मुझे बाद में बताया तब मैंने उनकी बात नहीं सुनी बिल्कुल ऐसा मत करना जब गृहस्थी में जाना ब्याह हो तब तो पति पत्नी वाला भाव अलग है ये गृहस्थी लायक भी नहीं रखेगा ये कैसी महाराज जी कॉमेंट्स तो दूर रहे ये तो आपके पास आ रहे हैं हमारे पास हजारों ऐसे जने आते हैं यहाँ तो पचास साठ जने आते हैं हम पांच सौ जनों से मिलते हैं महाराज इतना बुरा हाल है आज युवा पीढ़ी का हस्त मैथुन आदि क्रिया से और एकदम बर्बाद और ऐसा ही नहीं महाराज जी जीवन मतलब कह रहे कि हम प्राण छोड़ देते अपने मतलब अगर महाराज जी का सत्संग ना मिलता तो हम ऐसी दशा में पहुंच गए थे कि अभी निकलना मुश्किल हो रहा इतना मुश्किल हो रहा निकलना महाराज कॉलेज में थे तो मुझे ये बताया गया अरे तुम नहीं करते हो मतलब तुम कुछ लायक नहीं हो तुम तुम पुरुष नहीं हो ऐसे मुझे मुझे भी कॉलेज हाँ, बताया गया गया नहीं 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 कैसे अब कैसे हम इसका ना अध्यात्म का एक सब्जेक्ट होना चाहिए हाँ शिक्षा मंत्री आए थे यहाँ जो उत, उत्तम और मध्यम दोनों के आए थे तो उनको दोनों को हमने प्रार्थना की थी एक जब शिक्षा से जुड़ जाएगा हाँ। तो ये सारी गंदगी साफ होने लगेगी अच्छा हमें ये बताओ जो बच्चे इसमें लग गए वो इतने में ही केवल टिके रहेंगे अब हमें ये उत्तर दीजिए वो जो चार बॉयफ्रेंड ब्रेकअप करके पांचवे के साथ है वो जब उसका किसी पति के साथ ब्याह होगा या वो किसी पांच लड़कियों से मिल चुका है उसका जब एक से ब्याह होगा क्या ये दोनों सही माने में पूरा जीवन निर्वाह कर पाएंगे क्या इनकी तलाक बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी क्या ये बेविचार करते हुए दोनों एक दूसरे में मन मुटाव नहीं पैदा कर देंगे क्या ये गृहस्थी हो पाएगी क्या वर्ण संकरता रुक सकती है क्या वो ठसक से कह सकता है कि मेरा बाप कौन है मेरी माँ कौन है आज का जो चरित्र चल रहा है इसका अब कैसे धीरे धीरे, धीरे घर की जो पवित्रताएं हैं जिन बच्चों का पोषण करना चाहिए उनका शोषण शुरू हो चुका है क्यों इसी के कारण क्योंकि हमारे धर्म का शासन जा रहा है छोटे छोटे बच्चे जब ये वीडियो देखते हैं गंदे वाले मान लो पंद्रह अठारह बीस के बच्चे वीडियो गंदे देखे अब कोई लड़की अंदाजा कि बारह तेरह की है अब वो नए जवान लड़के उठा ले गए क्योंकि वही देख रहे हैं और वैसे ही अत्याचार कर रहे हैं। अब उनका जीवन या तो जेल में या तो गोली दो हफ्ते पहले चार साल की बच्चे के साथ हुआ था तो अब हम कह क्या रहे हैं ये पता नहीं कौन सा कलयुग का प्रभाव चल रहा है कि जिन बड़े लोगों को निर्णय में थोड़ा विचार करना चाहिए उन लोगों ने इसकी डॉक्टर माता पिता के समान है भगवान के समान है क्योंकि वो मरीज को अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है कहीं भी नहीं है जैसे पित्त की थैली होती है ऐसे वीर की थैली थोड़ी है एक मनोवाह नाड़ी है वो रक्त की मथानी है जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं वो मंथन करके पूरे शरीर से जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नष्ट नाड़ियों में तनाव होगा और वो शक्ति बाढ़ वो खोखला कर देती है ये तुम खोखला कर देता है हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है और कमर दर्द होना माथा दर्द होना ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना स्मृति न रह जाना आज पशुता बढ़ रही है पशुता बढ़ रही ये क्या हो रहा है ये जो व्यवहार बन रहा है ये धर्म ये धर्म में चलेंगे इनका जीवन अच्छा होगा ये पवित्र विचार वाले होंगे ये भगवान को मानेंगे कदापि नहीं मानेंगे क्योंकि पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही बच्चों की तो आगे कैसे बढ़े मर्जी कल एक बच्चे से मिला इतना डिप्रेशन में था जी वो उसको समझा रहा हूं उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भैया तुम कह रहे बा मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गया

आप ये समझ लीजिए कि हमारी नई पीढ़ी अगर संभली नहीं तो ऐसी जगह पहुंचती चली जा रही कि विदेश का पूरा फार्मूला यही हो यहीं आपको मिलेगा देखने को जो विदेशी कल्चर है वो पूरा अपने और वो हमारा धर्म नहीं वो हमारा समाज नहीं वो आके आज आपसे हाथ मिलाया कल दूसरे से मिलाया परसों वही तो आ रहा है ना तो ये हमारे देश का नहीं है और हमारा देश सदैव दूसरे देशों का आदर्श रहा है हमारा देश आदर्श रहा हमारे देश की एक गरिमा रही है ये कहीं आपको नहीं मिलेगा एक पतिव्रत धर्म रखना एक पत्नी व्रत में रहना ये कहीं नहीं मिलेगा माता पिता से सुरक्षित होकर संतान धर्म पूर्वक राष्ट्र सेवा भगवत सेवा यह कहीं नहीं मिलेगा बालक पैदा हुआ और सरकार को समर्पित है मतलब ऐसी ऐसी, ऐसी चाले हैं, ऐसे ऐसे विधान हैं आज हमारे भारत में सैकड़ों नवजात शिशु कूड़ेदान में मिलते हैं कूड़े दान में क्या है ये हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ पहुंच रही है? कितना दयालु भारत देश है हमारा शांत देश है दयालु देश है वो दस कदम पीछे हटना जानता है लेकिन तुम्हारी गर्दन काटना नहीं जानता हमारा देश बहुत पवित्र धर्मात्मा और दयावान आज हमारे देश में जो नौ पीढ़ी है ये बड़े संकट में जब टीचर ये कह देंगे भैया ऐसे ही मन इंद्रिया में रा, राजी है और जब हमें सपोर्ट डाक्टर का हो गया फिल्मों से हो गया टीचर कह देंगे तो भैया फिर क्या होगा इन बच्चों की दुर्दशा हो जाएगी एक आदमी दिन में आठ बार हस्त में नया नया बच्चा अब उसकी हालत वो किसी काबिल नहीं रह गया किसी काबिल आठ बार आंखों से देखना कम हो जाता है हर हर दोष उपस्थित हो जाता है तो हमें लगता है कि अगर बड़े तरीके से इसकी शिक्षा दी जाए तो भले स्कूलों में कुछ हो सके नहीं तो ये जमाना था जब हमारे यहाँ दूध माखन खाते थे अंग्रेज और बाकी लोग जो बाहर से आए उन्होंने हमें अधीन करने के लिए गलत चीजों का वो किया अब हम लोग जो है उसके बाहर निका के हम उनको अनुसरण कर रहे हैं और वो हमारा अनुसरण कर रहे हैं वो उनके विद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती है सारे चीजें अध्यात्म पढ़ाया जाता है वो इस तरफ आ रहे हैं हम उस तरफ महाराज जी अब आप जैसे संत और अध्यात्मी बचा सकता है बाकी ये सब नहीं महाराज जी अगर आप ना होते तो आज हम सब लोग यही नहीं बच्चा हमारी श्री जी से यही प्रार्थना है कि आप सब हमारी बात सुनो पता ही नहीं चलता हम लोग को क्या ये सब है यार हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके और देखो ऐ आपसे प्रार्थना है आप अपने मित्रों को ऐसी शिक्षा दीजिए ऐसे मित्रों का संग न करना जी आपको बोलने लगता है मैं उनके बारे में नहीं आपके बारे में कभी नहीं सुन सकता उन... जी आपके बारे में नहीं सुनूंगा चाहे मुझे एक बार कोई गाली दे दे आपके बारे में महाराज जी पहले टॉपिक बाहर था ही नहीं महाराज जी एक विस्तार से कोई बोला ही नहीं महाराज इस पे और था भी तो बहुत गुप्त था महाराज आपने दो हजार में पहली बार जब इसका ऊपर किया था उसके हाँ, क्योंकि इस पर पास करके उनको गंदी बात है ये बात तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी नहीं रहेगी ठीक है आप अपने को संभालते रहे तुम चरित्रवान बनो पढ़ाई अपने आप अच्छी होने लगेगी ठीक है इसको तो रख लो इनको बच्चों को माला और मेवा का प्रसाद दीजिए गंदी बात अब मत करना ठीक है हाँ मेरे बहुत अच्छे बच्चे लगे हुए गंदी बात मत करना अगर दो ठीक हो गए ना तो तुम दस को ठीक कर दो ठीक है